अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। किंसा पूरी कोशिश करती है अपने भाई असवंत को समझाने की कि मिशा बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ धोखा ना करो, निशा के साथ तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे, वो एक लालची लड़की है, तुम्हारे पीछे सिर्फ दौलत की खातर आई है। लेकिन असवंत के सर पर तो निशा की मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ होता है, उसकी समझ में कोई बात नहीं आती। वो मिशा को तलाक देना चाहता है लेकिन मजबूर होता है कि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है उसे तलाक नहीं होती। तब किंजा बड़ी होशियारी के साथ एक नया प्लान सोचती है निशा को और असवंत को सबक सिखाने के लिए। वो घर जिसमें असवंत रह रहा होता है वो उसे बेच देती है और सारा बिजनेस वाइंड अप करके बाहर चली जाती है। और जब असवंत ये सारी बात निशा को बताता है कि वो खाली हाथ हो चुका है, लेकिन वो उसकी मोहब्बत के सहारे ज़िंदगी का नया आगाज़ करेंगे, वो एक बार फिर से मेहनत करेगा और सब कुछ उसके पास हो जाएगा। लेकिन निशा बहुत ही लालची फितरत की लड़की होती है, वो इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकती। वो उसे कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं खुद जाकर देखती हूँ आकर उस घर में अब कौन आ गया है। और जब उस घर में जाती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पर अहमर खड़ा होता है, यानी वो मकान अहमर बीत चुका होता है। निशा का तो दिमाग चकरा कर रह जाता है, उसे अब अहमर असवंत से बेहतर नज़र आता है, क्योंकि असवंत खाली हाथ हो चुका होता है, इसलिए वो असवंत को झटक कर दोबारा अपनी दोस्ती का हाथ अहमर की तरफ बढ़ाना शुरू कर देती है। और अहमर भी असवंत को सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। और तब असवंत को एहसास होगा कि वो कितनी बेवफा और खुदगर्ज लड़की के साथ दोस्ती बढ़ा रहा था, बल्कि रिश्ता बनाने जा रहा था निशा जैसी वफादार बीवी को छोड़कर।